हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम आपसे लेकर आए हैं कि एक्सपीरियंस वीडियो। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा एक्सपीरियंस वीडियो 14 है और इस वीडियो में हम जानेंगे कपूरथला ट्रेड टेस्ट सेंटर से। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट ने कहा था कि सर कपूरथला का वीडियो बनाइए, कपूरथला में जो चल रहा है वहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो हमें शेयर कीजिए। तो हमने दोस्तों आपके लिए जो है काफ़ी कॉन्टेक्ट किया अपने काफ़ी स्टूडेंट से, तो फाइनली हमें एक स्टूडेंट्स मिला जिन्होंने हमें अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर किया कपूरथला से रिलेटेड। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस हुए आज के ट्रेड टेस्ट में और क्या जो आपको नया काम दिया जा रहा है ट्रेड टेस्ट के अंदर। तो हम सब कुछ जानेंगे विस्तार से, स्टेप बाय स्टेप दोस्तों, क्योंकि एक भी चीज़ अगर हम स्किप करते हैं दोस्तों तो हमें काफ़ी दिक्कत हो जाती है और एग्ज़ाम सेंटर में आपको पता है कितनी दिक्कत होती है जब हम कोई चीज़ अगर नई जब हम सुनते हैं या समझते हैं या देखने को मिलती है। अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको ये चीज़ का एटलीस्ट एक्सपीरियंस होने लगता है, क्योंकि हम दूसरों के अनुभव से ये सीख जाते हैं कि हाँ, हमारे साथ भी अप्रॉक्सीमेटली ऐसा ऐसा होने वाला है। तो वीडियो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि एक्सपीरियंस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए, वो भी अंत तक देखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आरपीएफ से संबंधित कोई भी अपडेट आपको यहाँ पर सबसे पहले मिल जाती है। साथ ही दोस्तों, सरकारी नौकरी से संबंधित कोई भी नया फॉर्म जब आता है या कोई भी जो है अपडेट आती है तो हम वहाँ पर आपको स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको अपडेट करा देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहूँगा कि देखिए, आपको जब कपूरथला पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पर एक लिया है रूम लेना होगा, जी आपको स्टे करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपको दो दिन पहले या आप एक दिन पहले जो आपको सफिशिएंट लगे कि हाँ, मैं दो दिन पहले वहाँ पर रह सकता हूँ, तो अगर दो दिन आप रह सकते हैं तो दो दिन पहले का जो है आप बुकिंग कर लीजिए, रिजर्वेशन करा लीजिए, या फिर आप जिस प्रकार से आपको सूटेबल हो आप वहाँ पर जाइए। और एक दिन पहले मैं तो कहता हूँ, अगर दो दिन नहीं तो एक दिन पहले तो एटलीस्ट जाइए, क्योंकि सेम डेट पे जाना बहुत ही रिस्की होता है दोस्तों। रिस्की इसलिए होता है कि ट्रेन का जो टाइमिंग है, आपको पता है कि ट्रेन का जो टाइमिंग दिया जाता है, अगर हमारी ट्रेन 12 बजे का दिया गया है और पहुँचते पहुँचते हमें 4 बजा देती है सुबह के, तो इस प्रकार जो है लेट हो जाते हैं काफ़ी घंटे, जो ट्रेन लेट हो जाती है। आपको पता है कि नेचुरल चीज़ें हैं, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी कुछ आकस्मिक जो है घटना घट जाती है, जिसके वजह से आगे पीछे जो है टाइमिंग समय सारणी में बदलाव हो जाता है, जिसके वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स को इस चीज़ का दिक्कत होता है। तो आप समय को जो है ध्यान में रखिए और मेरी उम्मीद अगर आपको लगता है सही तो आप एक दिन पहले जो है विज़िट कर लीजिए। एक दिन पहले विज़िट करके आप जो है वहाँ पर रूम रेंट पर ले सकते हैं। आपके सामने देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स लिए हैं जी दोस्तों, ये कपूरथला के ही पिक्चर्स हैं। तो कपूरथला में देखिए, आपको इस प्रकार जो है कम रेंट में ये आपको 200 से स्टार्ट करके, जी हाँ दोस्तों, 200 से लेके 300 के बीच में आपको ये रूम मिल जाएगा वन डे स्टे करने के लिए। अब देख लेते हैं इसमें वैरायटी में, अगर आप थोड़ा और बेहतर जाना चाहते हैं, जैसे कि आपको लगता है कि थोड़ा हम उससे बेहतर स्पेंड कर सकते हैं, तो अगर आप 500 के ऊपर का बजट रखते हैं, जी हाँ दोस्तों, 500 से 600 का बजट रखते हैं, तो आपको इस प्रकार कुछ सेमी लग्जरी, जी हाँ दोस्तों, अननेसेसरी आपको जो है सेमी लग्जरी में देखिए अच्छा खासा बेड आपको मिल जाएगा, काफ़ी साफ सफाई रहता है रूम में। इस प्रकार का रूम आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा बहुत ही आसान तरीक़ों में। आपको क्या करना है, आपके लिए जो है ऑलरेडी वहाँ पर आप देखेंगे होटल्स या लॉज के बाहर जो है वहाँ पर दिया रहता है कि RPF के जो कैंडिडेट है, RPF वाले जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं ट्रेड टेस्ट के लिए, उनके लिए जो है रूम उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, आप अपना आधार कार्ड या फिर अपना हॉल टिकट का जेरोक्स देके और अपनी एक आइडेंटिटी प्रूफ देके जो है आसानी से वहाँ पे रूम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपके स्टे करने का साधन। देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रकार का ये भी है फ्लैट है, ये इस प्रकार के भी रूम आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए कपूरथला का ये देखिए फेमस प्लेसेस में एक है। तो इस प्रकार जो है आपको कपूरथला पहुंच जाते हैं। ये देखिए कपूरथला का ये जो लोकेलिटी है प्लेसेस, आपको किसी प्रकार देखिए 3 फ्लोर 4 फ्लोर या फिर नॉर्मल आप जो चौली टाइप के घर में रह सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कपूरथला तो हम पहुंच चुके हैं। अब कपूरथला पहुंचने के बाद क्या होता है दोस्तों, स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर मैं आपको ये बता दूं कि आपको डॉक्यूमेंट्स मैंने कई वीडियो में बताया है, बट आपको हर एक्सपीरियंस वीडियो में आपको ये चीज़ बताता हूँ। 10th का मार्कशीट ले लीजिए, 10th की मार्कशीट। दूसरी चीज़ आपका जो है एज प्रूफ जिसमें हो, आपको पता है कि 10th की मार्कशीट में अगर पासिंग सर्टिफिकेट होता है तो वहाँ पे मेंशन होता है, और अगर स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स होता है तो वहाँ पे मेंशन नहीं होता। तो ये दो चीज़ें ध्यान दीजिएगा, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हो, तो आप अगर मार्कशीट है आपके पास उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपको अलग से जो है बर्थ सर्टिफिकेट एज के लिए दिखाना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, क्योंकि एज अगर आपका नहीं मालूम पड़ेगा तो आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए एज प्रूफ के लिए आप 10वीं के मार्कशीट को ध्यान से देख लीजिए, वहाँ पर मेंशन है नहीं है तो आप कोई दूसरा मार्कशीट प्रस्तुत कीजिए या बर्थ
सर्टिफिकेट यूज़ कीजिए। तो इस प्रकार आपका हो गया एज का। अब आते हैं नंबर तीन पे। नंबर तीन पे रिलेटेड है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट में आप देख लीजिए SC, ST, OBC, EWS और आपका हो जाता है PWD। तो इस प्रकार जो आपकी कैटेगरी है, अब आप इसमें कोई भी कैटेगरी, जैसे SC की कैटेगरी हमसे स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपका SC कैटेगरी है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में है, आपको सबसे चीज़ ये होती है कि आप RPF की जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन को पढ़िए। वहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है साफ साफ कि आपका जो फॉर्मेट है वो सेंट्रल के फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी जो है RPF उसे एक्सेप्ट करेगा। अगर आप सेंट्रल के फॉर्मेट में नहीं रखते तो आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। बट यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि RPF इस चीज़ को देखते हुए क्या कर रहा है, आपको अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का भी सर्टिफिकेट है तो भी आपको चल जाएगा, लेकिन आपको एक समय दिया जाएगा 15 से 20 दिन का, जो भी आपको सुनिश्चित करके दिया जाएगा। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आपको जो है कितना समय में बन के तैयार हो जाता है, उसी हिसाब से आपको एक सफिशिएंट टाइम दिया जाता है कि आप जो है सेंट्रल फॉर्मेट में बनवा कर लेके आइए। अब SC ST का ये तो हो गई दिक्कत आपकी जो है सॉल्व। अब बात करते हैं OBC में, तो आपको क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर इस बात का ध्यान देना होगा, आपका डेट जो है ख़त्म हो चुका है या नहीं हुआ है, एक्सटेंड करवाना है, ये सब चीज़ें देख लीजिए। तो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है OBC वालों के लिए। EWS वालों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया और उनका सर्टिफिकेट नहीं बना है, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे इस प्रकार का मैसेज किया कि सर हमने EWS में अप्लाई किया था बट हमारा सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या हमें मतलब एक्सेप्ट करेंगे या नहीं रिसेट। जी नहीं दोस्तों, आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने सारे फॉर्म्स जो है डिक्टो यानी राइट भरे हैं और आपने उसके डॉक्यूमेंट्स रेडी रखे हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स साथ में कैरी करना है EWS वाले के लिए, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको लगता है सर्टिफिकेट के लिए। तो आप अपना रिसिप्ट जो है, नहीं है सर्टिफिकेट तो आपके पास रिसिप्ट होगी, आपने पूरा डॉक्यूमेंट्स जमा किया होगा जो भी दफ्तर ऑफिस में, तो वहां से आप जो है अपना रिसिप्ट प्राप्त कर सकते हैं और वो सर्टिफिकेट आपको वहां पर ले जाना होगा। बात करें PWD के लिए, तो वहाँ से आपको स्पेशली जो है सर्टिफिकेट मिलता है फिजिकल हैंडीकैप के लिए, तो आपको वो चीज़ कैरी करना है अपने साथ में। तो इस प्रकार आपको जो है डॉक्यूमेंट्स तो हो गए क्लियर। अब आ जाते हैं हम बात ट्रेड सेंटर के अंदर पे। तो ट्रेड सेंटर के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए लोकेलिटी है। अब ये हम आपको वीडियो देखिए दिखा देते हैं, ये है आपका ट्रेड सेंटर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, देख लीजिए इस प्रकार लगभग 300 से 400 स्टूडेंट्स आते हैं कंटिन्यूसली। दोस्तों हम एग्जैक्ट अमाउंट इसलिए नहीं बता पाते जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, क्योंकि वहाँ पर काउंट करना मुश्किल हो जाता है, बट एक अनुमानित जो है 300 से 400 स्टूडेंट्स जो है पर डे आते हैं। इसी प्रकार आपको बैठा दिया जाता है रो वाइज, तो रो वाइज इसलिए बैठा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको एंट्री देने से पहले जब आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेबल मिलेगा आपको जो डेस्क लगा के बैठा होगा, वो आपका जो है ID प्रूफ, डॉक्यूमेंट्स, हॉल टिकट आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और दो फोटो पासपोर्ट टाइप, ये चीज़ें आपकी चेक कर लेगा। उसके बाद जो है आपको है वो अंदर एंट्री छोड़ दे देगा। तो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप, तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। अब आ जाते हैं हम कि आप एंट्री अंदर ले लिए, ये आपका समझ लीजिए हॉल है, तब आप उनमें हॉल में एंट्री ले लिए। अब यहाँ पे जो है 300 से लेके 400 स्टूडेंट्स जो है हमारे स्टूडेंट्स को बैठा दिया जाता है। अब इतने स्टूडेंट्स को एक साथ तो फॉलोअप नहीं दे सकते, इसलिए जो है अब 400 स्टूडेंट्स अगर आप समझ लीजिए तो आपको क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं आपको 20-20 की बैच में। तो ये हो गया आपकी 20 बैच, तो इसी तरह रेडी हो गई 20x20, तो ये हो गया आपका दोस्तों 20 बैच जिसमें 400 स्टूडेंट्स कम्प्लीट हो गए। अब ये 20 की जो स्टूडेंट्स की बैच है देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार बैठे हुए स्टूडेंट्स। तो ये 20-20 की जो है बैच जो बन जाती है, इन्हें एक कोड दिया जाता है और ये कोड होता है बैच BATCH, बैच जो है आपका बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4। आप इसे कंटिन्यूसली कर सकते हैं धीरे धीरे 20 तक, मतलब जितने स्टूडेंट्स होंगे। तो अब ये हो गए आपके 20 बैच। अब जब जिस बैच को बुलाया जाएगा कि बैच नंबर 1, तो बैच नंबर 1 में जितने भी 20 स्टूडेंट्स रहेंगे, ये 20 के 20 जो है उठ जाएंगे, उन्हें अपना जो है हॉल टिकट लेना है साथ में। अब उन्हें एक कमरे में प्रवेश कर दिया जाता है यानी हॉल में। अब जब हॉल में आप एंट्री ले लेते हैं, अब ये 20 लोगों को क्या है इसमें भी एक डिवाइड कर दिए जाते हैं 10-10 के में। जी हाँ, अब ये हो गया 10-10 स्टूडेंट्स। अब इन 10 में दोस्तों क्या दिया जा रहा है, इन 10 को दिया जा रहा है सब्जी बनाने के लिए। जी हाँ, तो सब्जी बनाने के लिए जो है आपको बनाने के लिए दे दिया जा रहा है, और इन 10 को क्या दिया जा रहा है सब्जी काटने के लिए। तो यहाँ से आपका जो है सब्जी बनाने का कार्यक्रम चालू हो जाता है। आपको कितने समय में जो है सब्जी काटना है, सब्जी को अच्छे से धोइए पहले,
उसको अच्छे तरह से काट लीजिए। काटने के बाद आपको उसको सूखी सब्जी बनाना है या गीली सब्जी, इस बात को कंफर्म कर लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है, आप कुछ सुनते नहीं हैं, क्योंकि उस समय आपका भी माइंड इतना फास्ट रहता है कि आपको जो इंस्ट्रक्शन मिला आप सीधा फॉलोअप लेके चालू हो जाते हैं। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सभी के लिए कह रहा हूँ कि नहीं सुनते, नहीं दोस्तों, मेरे कुछ स्टूडेंट्स के लिए ऐसा बोलना पड़ता है, ताकि आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि जो आपको वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी जाती है, आपको सब्जी बनानी है, ये आपका मटेरियल है, बट एक बार आप पूछ लीजिए कि सर सूखी सब्जी या गीली सब्जी। अब कुछ चीज़ों में जैसे पालक की सब्जी आपको बनाने के लिए, तो पालक की सब्जी आपको पता है गीली नहीं होती, वो सूखी ही रहती है। तो जो चीज़ें आपको पता है कि शायद जैसे बैंगन की आपका आप सब्जी बनाते हैं, और बैंगन की सब्जी में आप गीली सब्जी बनती है और सूखी सब्जी भी बनती है, तो बैंगन का भरता ही बनाया जाता है। तो इस प्रकार जो चीज़ आपको कहा जाता है, पहले उसको एक अच्छे से इंस्ट्रक्शन को पहले सुन लीजिए, उसके बाद अपना जो है रिएक्शन दीजिए। तो हो गया ये आपका कि आपने पहले सब्जी काट लिए। मैं आपको सारे जो है आर्ट ट्रेड में जो हुआ है वो बताने वाला हूँ। तो पहला स्टेप सब्जी काटने का दिया गया था, तो आप सब्जी काटने की जो है, अब दूसरा जो है सब्जी को बनाना था। जी हाँ, ये दूसरा ट्रेड था, काम जो दिया गया था वाटर कैरियर के अंतर्गत। बनाने के बाद आपको रोटी बनाने के लिए कहा गया। ये सभी बैच वाइज हो रहा है दोस्तों, 10-10 स्टूडेंट्स को। तो ये मत सोचिए कि आपको सारे काम एक साथ दिए जाएंगे, जी नहीं, इतना समय नहीं होता उनके पास भी। नंबर चार पे कुछ स्टूडेंट्स को जो है पराठा बनाने के लिए दिया गया था। पांचवे पे आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को जो है इसमें से हलवा बनाने के लिए दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, हलवा आपको पता है, तो हलवा जो है आपका सूजी का हलवा होता है, वो बनाने के लिए दिया गया था। तो ये सब जो काम है, जैसे कि इसमें देख लीजिए, लौकी की सब्जी स्पेशली जो है सूखी बनाने के लिए दी गई थी। तो एक लौकी की सब्जी भी मैं आपको बता देना चाहूँगा कि लौकी की सब्जी यहाँ पे आजकल बनवाई जा रही है। कुछ दिनों से जो है, 2-3 दिन से पहले से जो है लौकी का ट्रेड चालू हो चुका है, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे कपूरथला में हो। तो इस समय लौकी की जो है सब्जी बनवाई जा रही है, तो सब लौकी की सब्जी पे ध्यान दे दीजिएगा। अब आप लौकी पे ही नहीं, बाकी सभी सब्जियों पे भी ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए, बट जो ट्रेंडिंग में है, जो चल रहा है, अगर आपका नियर बाई है तो आप जो है लौकी पर फोकस कर लीजिए। हो सकता है कि आपको भी लौकी की सब्जी बनानी पड़ सकती है। और फिर हलवा का भी आपको पता ही होगा, हलवा बहुत आसान होता है, बट आप उसको अच्छे से रवे को अच्छे से भूज लीजिएगा पैन में, यानी कि कढ़ाई अगर आप देते हैं या टोप देता है, जो भी आपको दिया जाता है, तो ये कढ़ाई होती है, जो आपको कढ़ाई में पूरा रवे को अच्छी तरह से इसको भूजना है, यानी कि उसको अच्छे से पकाना है। उसके बाद ही आप इसमें पानी डालिएगा, फिर शक्कर डालिएगा, क्योंकि आपको जो एग्ज़ामिनर आपका जो कलर होता है उस पर भी मार्क्स मिलते हैं। आप ये सोचेंगे कि रवे बस आपने डाला, पानी डाला, दूध डाला और आपका हलवा तैयार होगा, तो नहीं, आपको जो है रवे का जो कलर होता है ब्राउन होना चाहिए, अब वाइट से ही नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी है। लौकी काटते समय लौकी को आपको पता है लौकी के कुछ शेप इस प्रकार का होता है, अंडा जो है बेलनाकार। तो अब आप लौकी कैसे काटते हैं, कुछ लोग फारी मतलब सीधा हॉरिजेंटल काट रहे हैं, वर्टिकल काट देते हैं, कुछ लोग हॉरिजेंटल काट देते हैं, यानी ये आपको डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के काटते हैं। तो किचन का जो है नॉलेज आपको, बड़ी बड़ी लौकी नहीं काट सकते, आपको पता है लौकी को छोटे में काटना होता है। पहले क्या करना होता है मैं आपको स्टेप बाय बता भी देता हूं दोस्तों, क्योंकि एक्सपीरियंस वीडियो में जो दोस्तों ने मुझे जो अपना शेयर किया, जिस स्टूडेंट ने, कि सर आप लौकी को क्या है, पहले आप इसी प्रकार जो है काट लीजिए, उसके बाद जो है इस प्रकार काट लीजिए, फिर ये जो आपको जो है इस प्रकार का जो है शेप मिल जाता है। आप इसे अगर देखा जाए तो आप स्क्वायर भी कह सकते हैं इसे, तो इस प्रकार का शेप मिल जाता है। इस प्रकार जो है आप उसको अच्छे से पैन कर दीजिए, जो है गरम तेल में डालिए, उसको पकाइए अच्छे से, तल के जो है पूरी अच्छी तरह से सूखी सब्जी को बनाइए, क्योंकि ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मेन तो चीज़ ऐसे है कि काफ़ी स्टूडेंट को सिर्फ लौकी काटने के लिए दी गई थी और लोगों ने सिर्फ उसे अंधाधुंध काट दिया और काफ़ी स्टूडेंट्स जो है फेल हो रहे हैं। और अब बात आती है कि स्टूडेंट्स का जो कमेंट्स आते हैं, सर सेलेक्ट कितने लोग हो रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको सिलेक्शन का आपको बता देता हूँ। ओवरऑल आपको पता ही है टोटल पोस्ट है 7898, यानी अप्रोक्सीमेटली आप 800 ही मान लीजिए, और पास हुए हैं आपको पता है 1.13 लाख, यानी 1,31,000 लोग पास हुए हैं। अब इतने लोगों को में से कितने लोगों का जो है रिजेक्शन होना, ये आपको अंदाज़ा लग ही चुका होगा कि आप जो है लगभग 1% के भी आसपास में नहीं हैं। तो आपका जो है रिजेक्शन की जो लिस्ट है बहुत ज़्यादा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। 20 स्टूडेंट्स की जो बैच जाती है, वहाँ से मात्र 1 या 2 स्टूडेंट ही सेलेक्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कमी है, और कहीं ना कहीं आपको पता है कि एग्ज़ामिनर की भी जो है मजबूरी है। ज़रूरी नहीं है जिन 1 या 2 का सिलेक्शन हो रहा है, बाकी के 18 लोग
उतने मतलब अच्छे कारीगर नहीं है या उतने अच्छे नहीं पका पाए, जी नहीं, वो उनकी परेशानी नहीं है, ये रेलवे की भी दिक्कत है कि पोस्ट कम है और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बाय मिस्टेक आपसे नहीं भी होती तो भी किसी ना किसी वजह से जो है आपको मिस्टेक निकल जाती है। तो अपना जो है 100% दीजिए, कहीं पर भी मिस्टेक देने का उनको मौका ना कीजिए, ताकि आप जो है यूनिक लगें और उन सभी से बेहतर हो जो बाकी के जो 19 लोग हैं आपसे। तो आप जो है अपने आप को हमेशा 20 रखिए और सामने वाले को 19 रखिए, ताकि जो है आपका सिलेक्शन हो जाए। आप सभी को पता है दोस्तों, गवर्नमेंट जो जॉब होता है, सरकारी नौकरी मिलना कितनी मुश्किल है और यहाँ पर कॉम्पिटिशन कितना टफ लेवल का हो चुका है। तो यहाँ पे आपको पता है कि 20 में से अगर एक लोगों को सेलेक्ट किया जा रहा है तो कंपटीशन किस हद तक है। तो इस प्रकार दोस्तों, आपको अपना 101% जो है देना है इस भर्ती को, और तभी जो है आप इसके अपना जो है जगह पक्की कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और काफ़ी कुछ आपने जाना होगा, कैसे आपको स्टे करना है, कैसे जाना होता है। तो आप अगर उम्मीद करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नोकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट के लिए स्मार्ट नोकी चैनल सबसे बेहतर चैनल है। थैंक यू सो मच दोस्तों।